दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन ने मंगल की सतह पर अपना पहला स्पेस क्राफ्ट उतार दिया है। तियानवेन 1 मिशन ऐसा पहला मिशन है जब एक ही बार में कक्षा में यान प्रक्षेपित किया गया। लाल ग्रह की सतह पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी ड्रॉप किया गया और रोवर भी भेजा गया। लैंडर और रोवर के साथ कैप्सूल मंगल के वायुमंडल को चीरते हुए सतह पर जा पहुंचा। इसके साथ ही चीन अमेरिका के बाद मंगल पर यान उतारने वाला पहला देश बन चुका है। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बताया है, लैंडर शनिवार को टच डाउन हो गया। लैंडर रोवर जुरांग के साथ पैराशूट की मदद से नीचे उतरा और वायुमंडल में 7 मिनट में लैंड हुआ। यह मंगल के यूटोपिया प्लेनेशिया पर लैंड हुआ है। चीन के रोवर में 6 पहिए हैं और यह सौर ऊर्जा से चलता है। इसका वजन करीब 240 किलो है। यह मंगल पर चट्टानों के सैंपल इकट्ठा करेगा और उन पर स्टडी करेगा। यह करीब 3 महीने तक काम करेगा। तियानवेन 1 फरवरी में मंगल की कक्षा में पहुंचा था। फरवरी में ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का परसिवरेंस रोवर भी मंगल पर लैंड हुआ था। उसने वहां अब टेस्टिंग के लंबे वक्त के बाद अपना साइंटिफिक काम भी शुरू कर दिया है। नासा ने एक हेलीकॉप्टर इंजीन्यूटी भी भेजा है जिसने अपनी 5 सफल उड़ानें पूरी कर ली है। इन दोनों देशों के अलावा इस साल संयुक्त अरब अमीरात का स्पेसक्राफ्ट हब भी मंगल की कक्षा में पहुंचा है, जो मंगल की कक्षा में चक्कर काटेगा और इसका एक विस्तृत मैप तैयार करेगा। लैंडिंग से पहले तियानवेन 1 का ऑर्बिटर कई तस्वीरें दे चुका है। एक वीडियो तियानवेन 1 के स्मॉल इंजीनियरिंग सर्वे सब सिस्टम कैमरे से लिया गया था जिसके फ्रेम में मंगल आता दिख रहा था। इसके बाद मंगल के वायुमंडल का किनारा नजर आया। मंगल की सतह पर मौजूद गड्ढे भी नजर आए। दूसरे वीडियो में तियानवेन 1 के ट्रैकिंग एंटीना के मॉनिटरिंग कैमरा से ली गई तस्वीरें दिखी थी। इंजीनियरिंग सर्वे सब सिस्टम में कई छोटे मॉनिटरिंग कैमरे लगे हैं।